भाई अगर आप लोग अभी तक कहीं से लोन नहीं लिए हैं तो आप लोग मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए कि मुझे यहां से 500 से लेकर के 17,500 का लोन अप्रूवल मिला है। अगर आप लोग जिंदगी में अभी तक कहीं से लोन अमाउंट नहीं लिए हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट है, एज आप सबका 18 है, तब भी आप लोगों को यहाँ पे लोन दिए जाएंगे। इस एप्लीकेशन से मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना जीवन में लोन लेने का शुरुआत किया था तो इसी एप्लीकेशन से, और इसी से मेरा सिविल स्कोर जो है इम्प्रूव हुआ और उसके बाद मुझे बड़ा बड़ा अमाउंट जैसे कि 2 लाख 2.5 लाख आप लोग वीडियो में देखे होंगे, किसी में 50,000 तो किसी में 1 लाख लेकर के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में अपना सिविल बनाना होता है, कोई भी नई कंपनी जल्दी आपको लोन नहीं देता है। अगर आप सब अपने जीवन में पहली बार कहीं से लोन नहीं लिए हैं तो कोई भी कंपनी जल्दी आपको लोन नहीं देती है ऐसे में, तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट टाइम में ही लोन मिलेगा, लेकिन अमाउंट थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो लेकिन मिलेगा जरूर इसके अंदर। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है, इमरजेंसी में है, लोन लेना चाहते हैं, तो चलिए आप लोगों को पहले कंप्लीट स्टेप बताते हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई करके लोन ले पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग जो है लोन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि हमारे लिए जो यहाँ पर लोन ऑफर होगा वो आप लोग के स्क्रीन के सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे लिए मैक्सिमम जो लोन ऑफर हुआ 17,500 रुपये है, मिनिमम यहाँ पे 500 है, उससे आगे 1,000, 1,500, 2,500, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,500 और लास्ट यहाँ पे 17,000 है। अगर आप लोगों को भी लोन की जरूरत है गाइस तो आप लोग इस एप्लीकेशन से जो है इजीली ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम में ही आप लोगों को यहां से लोन दे दिया जाता है। भले ही स्टार्टिंग में हो सके तो आप सबका सिविल स्कोर जिस एतबार का होगा तो उसी हिसाब से यहां पर लोन अमाउंट दिया जाएगा। मेरा जो स्टार्टिंग यहाँ पर हुआ था गाइस वो 1,000 रुपए के लोन से हुआ था। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फर्स्ट टाइम में मैं यहाँ से कितना का लोन यहाँ पर लिया था, वो हिस्ट्री अभी आप लोग यहां पर देखेंगे। तो मैं थोड़ा नीचे करता हूं और यहां पर आप लोग देखिए कि सबसे अंतिम जो हमारा ईएमआई है, थोड़ा जूम करके आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं गाइस। तो आप लोग गाइस यहां पर देखिए कि अंतिम जो हम ईएमआई लिए थे वो गाइस आप लोग के सामने है। यहां पे आप लोग देखेंगे कि 1 अगस्त 2021 को 1,250 रुपये यहाँ पर देखिए कि हम लिए थे, बाकी यहाँ पे उसके बाद 2,000 लिए, फिर 1,250, 500, कभी 1,500, कभी 2,000, कभी 2,500, देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर लोन लिए हैं। और अभी जो फिलहाल पिछले 4-5 मंथ से जो हम लोन ले रहे हैं गाइस, तो वो आप लोग यहाँ पर देखिए गाइस कि पिछला जो हम लोन लिए थे जिसको यहाँ पर पेमेंट कर दिए हैं, 8,000 रुपये का लोन लिए थे, किस डेट में लिए थे, अप्रैल 19 को लिए थे, उससे पहले यहाँ पे 10,000 का लोन लिए थे, उससे पहले 12,500, उससे पहले 12,500, 10,000, 8,000, 4,000, मतलब कि इस तरीके से हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं पिछले 8-10 महीना से, तकरीबन 6,000 से ऊपर का ही अमाउंट हम यहाँ से लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल मैक्सिमम जो लोन ऑफर हो चुका है वो यहाँ पे 17,500 तक के लिए हम यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं। मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे 50,000 तक का राशि जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 17,500 का जो लोन ऑफर हुआ है, कंटिन्यू वाले पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो मुझे समय दिया गया है 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ का समय दिया गया है, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे है। हम चाहे तो यहाँ पे 6 मंथ के लिए ले सकते हैं 180 दिनों के लिए, और चाहे तो यहाँ पे 90 दिनों के लिए। मान लीजिए कि 90 दिनों के लिए अगर हम यहाँ से लोन लेते हैं तो फिलहाल जो ईएमआई बनेगा 6,417 रुपये का, टोटल पेमेंट करना होगा 19,251 रुपये। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 180 दिन यानी कि 6 मंथ के लिए इस राशि को लेते हैं तो टोटल जो पेमेंट करना होगा 20,910 रुपये, और मंथली पेमेंट करना होगा 3,485 रुपये का। बाकी इसका लोन का डिटेल्स अगर आप लोग देखना चाहे तो यहाँ पर डिटेल्स में मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी जो लगेगा वो 1,356 रुपये, बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा 16,144 रुपये, इंटरेस्ट यहाँ पर लगेंगे 3,410 रुपये, टोटल पेमेंट करना होगा 20,910 रुपये, कुल यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। बाकी इसका वीव ईएमआई शेड्यूल अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स में दिखाया जाएगा कि 6 मंथ का ये अमाउंट है और किस किस डेट को कितना कितना अमाउंट यहाँ पर कटेगा, सारा डिटेल आप सबका ईएमआई का आप लोग को देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जितना राशि को आप लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं उतना राशि को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं फिलहाल गाइस आप लोगों को यहाँ से फिर से एक बार 8,000 का लोन लेकर दिखाएंगे। तो 8,000 के राशि को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, लोन टर्म वाले पे आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन 4 मंथ का है जिसमें 9,060 रुपये टोटल रीपेमेंट करना होगा, 2,265 रुपये का पर मंथ का ईएमआई बनेगा। अगर इस लोन को 2 मंथ के लिए लेते हैं तो फिलहाल हमें जो रीपेमेंट करना होगा 8,540 रुपये, मंथली पेमेंट करना होगा 4,270 रुपये का।
तो हम फिलहाल इस लोन को दो ही मंथ के लिए यहाँ पर लेना चाहेंगे, दो मंथ सिलेक्ट किए हैं। तो प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी आएगा 825 रुपए, हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा किए जाएंगे 7175 रुपए, इंटरेस्ट यहाँ पर लगाए जाएंगे 540 रुपए, टोटल जो पेमेंट करना होगा 8540 रुपए। बाकी व्यू ईएमआई शेड्यूल आप लोग को यहां पर दिखाया जाएगा, बाकी चार्जेस वगैरह यहां पर है, जीएसटी 126 है, प्रोसेसिंग फीस 699 है, बैंक अकाउंट में 7175 है, इंटरेस्ट 540 है, सब कुछ यहां पर दिखाया जाएगा। और ईएमआई का शेड्यूल यहां पर दिखाया जाएगा कि आपका कब कब ईएमआई किस डेट को कटेगा, जैसे कि फर्स्ट ईएमआई जो हमारा होगा वो 14/6/2024 को कटेगा, सेकेंड ईएमआई 15/7/2024 को कटेगा। तो आप लोग यहां पर अपना अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। लोन को लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू है इस वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर यहां पे आप लोग को बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, मेरा यहां पे पहले से ऐड है, अगर दूसरा बैंक अकाउंट करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग को अपना बैंक का नेम चेंज करना है कि किस बैंक अकाउंट में आप लोग पैसा को लेना चाहते हैं, उस बैंक का यहां पर आप लोगों को चयन करना होगा। अकाउंट नंबर को यहां पर डालेंगे और नीचे सबमिट है इस वाले पे क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट यहां पर ऐड हो जाएगा, हमारा यहां पे पहले से ऐड किया हुआ है। तो हम इसी बैंक अकाउंट में जो है पैसा को लेना चाहते हैं तो यहां पर नीचे अप्लाई है इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के सामने जो है यूजर लोन एग्रीमेंट होगा, तो आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल्स पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, सारा कुछ यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिखाया जाएगा। सब कुछ पढ़ने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और आने के बाद इस बॉक्स में यहाँ पर आप लोग को चेक मार्क करना होगा और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे गाइस, तो अब आप सबका यहाँ पे फाइनली जो है अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर देखिए थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर ए लोन, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 घंटा के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, लेकिन 12 घंटा नहीं, आप लोग यहाँ पर देखते रह गए और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा एक मिनट भी नहीं हुआ, यानी कि 4 से 5 सेकंड भी नहीं हुआ है, ऊपर से आप लोग टाइमिंग देखेंगे और सीधा पैसा देखिए कि हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है और फटाफट यहाँ पे मैसेज भी आने लगा है, बाकी हमारे बैंक अकाउंट में 7175 रुपए जमा हो चुका है, बैंक की तरफ से भी मैसेज आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे कन्फर्म रिसिप्ट लोन है इस वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा लोन अमाउंट जो है वो यहाँ पर देखिए कि 8540 रुपए टोटल पेमेंट करना है, फर्स्ट ईएमआई कब है यहाँ पर डिटेल्स में है, पेमेंट कितना है वो भी डिटेल्स में दिया गया है। हम यहाँ पर होम वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आज 14 मई है, लोन डिसबर्स हुआ है 7175 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में जो कि आ चुका है, बाकी यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बता दिए हैं। तो गाइज इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, अगर आप लोग अपने जीवन में पहली बार लोन नहीं लिए हैं तो भी आप लोगों को लोन अमाउंट दिए जाएंगे, खास करके नए लोगों को ही यहां से लोन अमाउंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम 50,000 तक का लोन आप लोग ले सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे। तो हमारा आधार पैन का डिटेल्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाला हुआ था, इसका लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया हूँ, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, रीडायरेक्टिंग करेगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप लोग अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और जो भी अमाउंट मिलेगा आप लोग यहाँ पर लेकर के अपना जो है टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप सबका सिविल यहाँ पे इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है, उसके बाद बड़ा बड़ा अमाउंट जो है बड़ा बड़ा कंपनी से आप लोगों को मिलने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग लोन का शुरुआत कर सकते हैं, छोटा लोन से ही यहाँ पे आप लोग अपना शुरुआत करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे।